स्ट्रोक का पेशेंट जब हॉस्पिटल में आता है तो हम लोग उसको सबसे पहले स्कैनिंग कराते हैं, सीटी स्कैन और एमआरआई, जिससे हम लोग कंफर्म करते हैं पेशेंट को किस तरह का स्ट्रोक हुआ है। उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट मोडालिटी डिसाइड करते हैं। अगर पेशेंट 4.5 घंटे के अंदर आता है तो उसको थ्रोम्बोलिसिस किया जा सकता है, मतलब उसको क्लॉट बस्टर दवाइयाँ दी जा सकती हैं। अगर 4.5 घंटे से 8 घंटे के अंदर आता है तो हम लोग इंटरवेंशन के द्वारा क्लॉट को बाहर निकाल सकते हैं। अगर पेशेंट उसके बाद हमारे पास आता है तो हम लोग जनरली खून पतला करने की दवाइयाँ और दूसरे इंजेक्शन्स और न्यूरोप्रोटेक्टिव एजेंट्स पेशेंट को यूज़ करते हैं ताकि उसको अच्छी रिकवरी हो सके।